हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड डी बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। आपको डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन आपको दिया गया y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square। तो बेटा अगर हम इसका सिंपल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे आप चेन रूल अप्लाई करेंगे आगे एंगल के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले फंक्शन को यहाँ पे हम स्मॉल कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x 1 plus x square, ये हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 tan थीटा अपॉन में 1 plus tan square थीटा। तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे x को। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। पुट करेंगे बेटा आप x is equal to tan theta, ओके, क्लियर है। तो चलिए, तो हमारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन में चेंजेस हो रही हैं अभी, 2 tan theta upon में 1 plus tan square theta, ओके, sin inverse, तो यहाँ पे आप पूरी वैल्यू डाल देंगे, sin 2 theta ही आपके पास, तो sin से sin कट हो गया आपका, sin inverse से sin कट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 theta, ये आ गया आपका y, ओके बेटा, ये हमारे पास आ गया फंक्शन y। तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट थीटा की वैल्यू पहले आप डाल दीजिए। थीटा यहाँ से आप निकालेंगे tan इनवर्स x, ये tan इस साइड आ जाएगा, इनवर्स x, ये थीटा आ गया आपके पास। तो आप लिखेंगे y is equal to 2 tan इनवर्स x, ओके okay? तो चलिए, अब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, ओके okay? चलिए dy अपॉन dx 2। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, क्या था वो, tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 plus x square। तो ये आप वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, ओके, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dy/dx 2, तो ये आ जाएगा 1/1 plus x square, तो बेटा ये आ गया 2/1 plus x square, दिस इज आंसर, ओके बेटा, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला गया था आपको, चलिए नोट कर लीजिए आप इसको, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको y दिया गया है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन में 1 minus 3x का स्क्वायर माइनस 1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3, ठीक है। आपको बोला गया है y, आपको फंक्शन दिया गया है tan इनवर्स, उसका एंगल इस फॉर्म में दिया गया 3x minus x cube 1 minus 3x square, ओके बेटा। अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू x की पुट करेंगे, क्या tan थीटा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो पोल है ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये आपके पास बनेगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला, किसका बनेगा, tan 3 थीटा का। देखिए क्या है हमारे पास, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में बेटा 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होल जो है ये किसका फॉर्मूला आपके पास, इज इक्वल टू आ जाएगा tan 3 थीटा, ठीक है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, फिर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, काफी लेंथी हो जाएगा,
तो इससे ये वाला मेथड ज्यादा इजी है, तो हम इसी मेथड से इसको करेंगे। ओके, तो इसकी ये जो आपको दिया गया है, ये आपको बोला गया है जो x है वो क्या है -1/3 से ग्रेटर देन है और 1/√3 से लेस देन है। क्यों बेटा? अगर यहाँ पे आप 1/√3 रखते हैं वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 कैंसिल, 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है, तो इसलिए फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए आपको ये वैल्यू दी होती है। ओके बेटा, चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन है y is equal to tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta upon में 1-3 tan square theta, y is equal to tan inverse, अब आप लिखेंगे यहाँ पे tan 3 theta, tan से tan आपका कट हो गया, यहाँ पे आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो डालेंगे 3, यहाँ पे आपके पास क्या आया 3 थीटा। ओके बेटा, तो y is equal to 3 tan inverse x, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dy upon dx is equal to derivative of tan inverse 3, आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, tan inverse x dy upon dx is equal to 3, tan inverse का क्या है डिफरेंशिएशन 1 plus x square, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 1 plus x square, this is your answer। ओके बेटा, ये आपका आंसर आ गया। ओके, क्लियर है? ओके, थैंक यू।